सलमान, सलमान, हाजी साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है। फिर क्या ख्याल है, थोड़ी ताजा हवा खाएं बाहर? बच्चे घर पे अकेले हैं? बच्चे जो है ना वो होमवर्क कर रहे हैं और बाहर से मैंने ताला लगा दिया, और वैसे भी मैंने तुम्हारे को समझा दिया घर से बाहर नहीं जाए, ना नोमी जाएगा। अच्छा तो फिर आज नहीं, ऐसा करना कल दे जाना। कल? कल तो मैं घर पे होंगी ही नहीं, कल मैं काम पर होंगी। काम? कौन सा काम? सलमान, मुझे मेरे मतलब का काम मिला है। काम क्या है? अब तो वो आपको रजिया ही समझाएगी। अस्सलाम वालेकुम नफीसा बाजी। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको व्हीलचेयर की, और नफीसा बाजी आपको नौकरी की। नहीं समझे ना, मैं समझाती हूँ। ये मेरी दोस्त है नताशा, और ये सेल गर का काम करती है। बाकी नताशा खुद समझा देगी। वो रजिया मुझे बता रही थी कि आपको काम करना है सेल्स गर्ल का। मैंने अपनी कंपनी में बात कर ली है, आप कल मेरे साथ जा सकती हैं। हाँ सलमान, मुझे ये काम बहुत पसंद है, आप इजाज़त दे दें, मैं खुशी खुशी कर लूँगी। सलमान भाई, मेहनत मजदूरी में कोई शर्म नहीं, चाहे मजबूरी में की जाए या बगैर मजबूरी के। सलमान, मुझे इस काम की इजाज़त दे दें, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। अच्छा नताशा, मुझे बताएं कि कल कब और कहाँ आना है, कितने बजे आना है?
ड्यूटी कितने घंटे की होगी तुम्हारी? नताशा बता रही थी कि 9 बजे तो दफ्तर में हाजिरी है, 10 बजे से सेल स्टार्ट होगी, फिर असर तक तो हमने सेल करनी है, बस इफ्तार पे ही घर आना होगा। और आना जाना कैसे होगा? सैर सी बात है, रक्शे में या फिर बस में? बस में नहीं, बस में नहीं यार, बस में इंसान जल्दी ख्वार हो जाता है, औरतों का तो बिल्कुल लिहाज नहीं करते ये लोग। मैं जानती हूँ सलमान आपको मेरी फिक्र है, अगर क्या करें, करना तो है ना। नफीसा मैंने तुम्हें कभी घर का काम करने नहीं दिया, तुम्हें तो बर्तन कपड़े धोने की इजाजत भी नहीं थी, पता है ना तुम्हें? जी मालूम है, और इसमें भी ना आपका ही कसूर है, इतने नखरे उठाए मेरे जैसे कि लोग बाहर वाली के उठाते हैं। तुम कुछ और काम कर लो। क्या काम करूं, इस काम में बुराई क्या है यार? 5 से 6 किलो का वो बैग होगा जो तुम उठा के रोजे की हालत में जगह जगह दर बदर ख्वार होती फिरोगी। देखो नफीसा, तुमने सिर्फ मेहनत और मुशक्कत का नाम सुना है, कभी की नहीं है। सारा दिन तुम वहां सड़कों में गलियों में निढाल हो रही होगी, और मैं यहां घर में पड़ा परेशान यही सोचता रहूंगा कि मेरी बीवी पता नहीं किस हाल में। घर में 2 मोबाइल फोन थे, एक बिक गया दूसरा टूट गया, अब तो वो भी नहीं है कि मैं तुमसे रابطہ कर सकूं। अच्छा बस करें, इतना सोचेंगे ना तो हो गया मेरा काम। आप मेरी हिम्मत बढ़ाने के बजाय मेरा हौसला पस्त कर रहे हैं। बेबस नहीं हूं मैं, बेबस वो होते हैं जो हिम्मत नहीं करें, और बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके अपने ना उनकी हिम्मत तोड़े।